नमस्कार दोस्तों, संज्योति फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। जिन जिन लोगों को बाजू की कोई भी समस्या है, बाजू चढ़ाने की या यहाँ पे झोल आता है या फिटिंग सही नहीं होती है बाजू में, तो आप वो इस वीडियो को जरूर वॉच करें और फुल वॉच करें। तो इसमें क्या समस्या आती है वो मैं बताती हूँ। देखियो, इसकी इस ब्लाउज की मैंने पूरी वीडियो आप तक पहुँचाई है। अब ये देखे, यहाँ पे आपके शोल्डर है और आप देखिए अच्छी तरह से ये हमारी यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है शोल्डर की, दोनों आगे पीछे के जॉइंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के आप अच्छी तरह से देखिए, यहाँ तक दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हैं। आगे पीछे के हमारे पार्ट्स छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक है। यहाँ ये डार्ट लगाने के बाद ये जो पार्ट्स है ये बैक साइड की पार्ट के बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। अगर कटोरी के पार्ट्स की हम कटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हम डार्ट नहीं लगाते हैं ये वाली, तो वो पार्ट भी हमारा इसी प्रकार से बैक साइड का होना चाहिए और आगे का पार्ट्स देखिए आप जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही होना चाहिए। यहाँ पे दोनों बिल्कुल समान होने चाहिए, यहाँ जो पार्ट है वो आगे पीछे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब ये बाजू है हमारी और इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखिए, बाजू आपको लगती है कि ये देखिए इस प्रकार से अगर हम रखते हैं तो बाजू का साइज बड़ा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बाजू बिल्कुल परफेक्ट है और कैसे हम इसको स्टिच करना चाहिए हमें। तो जैसे देखो, ये आपकी बाजू का यहाँ पे मेन सेंटर है और ये मेन सेंटर आपका दोनों का, ठीक है। अब हमें बाजू कैसे लगानी है, ऐसी लगानी है, ये देखिए। तो इस प्रकार आप जांच लें कि आपके बाजू और आपका पार्ट बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। ये यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, और ये देखिए ये वाली हमारी अंदर की मार्किंग है, तो ये हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ, ये भी बिल्कुल बराबर मिल रहे हैं। और ये जो आगे की साइड का जो शेप है देखिए, यहाँ पे ये हमारा आगे में स्टिच होगा और ये जो बैक साइड है ये बैक साइड ये इस बैक पार्ट पे स्टिच होगी। तो आपको क्या करना होता है चढ़ाने से पहले कि आपकी बाजू सही है कि फिटिंग या नहीं है, तो आप इसको ऐसे चेक कर लो, आपकी बाजू बिल्कुल बराबर आ जाए ये दोनों पार्ट्स, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी बाजू ओके है, आपकी फिटिंग ओके बनेगी, आपको कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ये दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर नहीं है, मान लो ये पार्ट छोटा है या ये बैक साइड का छोटा है या आगे का छोटा बड़ा है, जो भी आपके छोटे बड़े पार्ट्स है और इस प्रकार से आपका मेजरिंग नहीं मिल रहा है, तो आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ ये पार्ट्स जो है वो ओके नहीं है। तो ये आप चीज अवश्य मिलाएं जिनको बाजू में परेशानी है, समस्या है। अब इसको चढ़ाना कैसे होता है, तो सबसे पहले जो आगे की फोल्डिंग है वो कर लो। अब देखो, मैंने आगे की पार्ट्स में जो मेरी तुरपाई की पट्टी होती है उसको फोल्ड कर दिया है ऐसे, ठीक है, फोल्ड कर दिया है। अब आपको क्या देखना है, ये बैक साइड का पार्ट, ये आगे का पार्ट है और ये बैक साइड वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कटिंग जो हुई हुई है वो पता चल जाएगा, ये बैक साइड का साइड बैक पार्ट होता है हमारा। तो अब आप इसको ऐसे ओन साइड में रख लो, ठीक है। अपने ब्लाउज का साइड लो, तो ये वाला हमारा आगे का पार्ट है, देखो ये वाला, तो ये जो मिडिल सेंटर है शोल्डर, इसको आपको इस मिडिल सेंटर में अटैच करना ऐसे। बाजू के पार्ट्स को नीचे ही रखें हमेशा, और जैसे कि हम 1/2 इंच की जो स्टिचिंग करते हैं वैसे स्टिचिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चाहे आगे की साइड हो चाहे कीजिए मिडिल सेंटर से, क्योंकि हमारी बाजू का जो सेंटर है वो आपके यहाँ सेंटर में हो गया है। अब अगर आपकी थोड़ी बहुत बाजू कहीं से ज्यादा बड़ी या छोटी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसी साइड में बढ़ेगी जिस साइड में वो बड़ी है, उसका मिडिल सेंटर से वो फिटिंग रहेगी। अब यहाँ पे ये देखिए, दोनों बिल्कुल हमारे बराबर है, कहीं यहाँ पे नहीं बड़ी है, तो ये पार्ट हमारा बैक साइड का बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब हम इसको डबल स्टिचिंग करते हुए फिर मिडिल सेंटर पे जाएंगे, यानी जो बीच की सिलाई जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे जाएंगे और फिर हम आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, हम वापस यहाँ पे इसको डबल स्टिच करते हुए मिडिल सेंटर तक आ गए हैं। अब हम आगे की स्टिचिंग करेंगे। मैं आपको इसकी एक बाजू की पूरी स्टिचिंग दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना है, यहाँ से भी आप जांच लें
कि आपके जो पार्ट्स है वो बिल्कुल बराबर है ना, कहीं बड़े छोटे तो नहीं है, और अगर होंगे तो वो आगे की साइड में ही होंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें इसको यहाँ नीचे करते हुए स्टिच कर लेना है, फिर आप इसकी डबल स्टिचिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सिंगल स्टिच कर दिया है, ठीक है। बाजू को हमेशा नीचे रख के स्टिच करना चाहिए ताकि कभी भी आपके ब्लाउज में कोई खिंचाव या सलवट ना आए। जैसे कि हमने बैक साइड को डबल स्टिच किया था, वैसे ही आगे के पार्ट्स को भी डबल स्टिच कर लिया है और फिर मिडिल सेंटर में आ गए हैं। तो ये हमारी बाजू की यहाँ पे स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारी कौन सा पार्ट बिल्कुल बराबर है। ये वाला देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बाजू का हल्का सा क्वार्टर इंच कम है, बाकी हमारा जो पार्ट है बिल्कुल टोटल बराबर है, इस तरफ में बिल्कुल बराबर है। तो ये आपकी ओके सिलाई हो चुकी है। अब आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपके देखिए यहाँ पे बाजू दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे हमारी जो दोनों बाजू है बिल्कुल बराबर है। और आप फिर यहाँ ऊपर से एक स्टिचिंग करके बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे फिर आप इसको पैकिंग सिलाई कर सकते हैं इसकी फिटिंग की। और आप चाहें तो डायरेक्टली इसको देखिए ऐसे करके, और ये वाली जो फिटिंग की हमारी सिलाई है इसको आप हम फिटिंग की सिलाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये ओपन रह सकते हैं। तो ये ओपन फिटिंग होगी और वो वाली अंडर स्टिचिंग हो जाती है। इसके इससे पहले आप नीचे की तौर पर ये पट्टी अटैच कर ले और फिर डायरेक्टली ऐसे फिटिंग लगा ले। तो ये मैंने आपको दिखाया है सिर्फ बाजू की फिटिंग का तरीका। तो इस प्रकार से आप देखो बाजू फिटिंग करोगे तो आपको आगे का पार्ट दिखाते हैं कि आपकी बाजू कैसे लगती है और कैसे लगनी चाहिए। तो देखिए ये ऐसे हमारी बाजू लग रही है और इस प्रकार से इसकी फिटिंग आती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये हमारी परफेक्ट हमने सिलाई की है और परफेक्ट स्टिचिंग की है। और अब हम नेक्स्ट में आपको इसकी आगे की सिलाई दिखाएंगे तो वो हमारी ब्लाउज की पूरी फुल सिलाई होगी, वो वीडियो आप देखिएगा। ये आज की वीडियो में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू, अगर आपको हमारी ये जो हमने आपको बाजू के बारे में बताया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।